नमस्कार जी हिंद दोस्तों, आज हम एक और ऑफलाइन वैकेंसी लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये निकली है आर्मी सेंटर। सबसे मेन बात है ये अंडर है आर्मी के मुख्यालय भर्ती जोन जबलपुर के लिए वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसीज निकली है मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर पदों के लिए। उसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त 2023। सबसे पहली बात, आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, जितना जल्दी हो ऑफलाइन फॉर्म वहाँ पर फिलअप करके भेज देना है। तो दोस्तों, हम अभी पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोस्ट कौन कौन सी हैं। नंबर वन है मल्टीटास्किंग स्टाफ माली, जो गार्डन में काम करते हैं उनके लिए। नंबर वन के लिए कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, 10वीं पास, और उसके लिए कोई एक्सपीरियंस या कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। इसके लिए वेतनमान 18,000 से 56,000 के लमसम रहने वाला है। नंबर दो के लिए हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसके लिए लगभग 20,000 से 63,000 तक है। इसमें 10वीं पास और 2 वर्ष का हेवी लाइसेंस का अनुभव होना चाहिए, यानी दो वर्ष पहले का आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए। नंबर वन और नंबर टू, इन दोनों में ही कुछ खास नहीं मांगा गया है। तो इन आपको आगे बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, उन डॉक्यूमेंट को 2 लिफाफों में डालना है। डॉक्यूमेंट में दोस्तों देखिएगा, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 2 स्वयं का लिफाफा डाक, जिसमें 25 रुपये का बड़े वाले में, 25 रुपये का इसमें छोटे वाले में मांगा गया है। जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, अगर आप OBC से अप्लाई कर रहे हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि होनी चाहिए, अदरवाइज आप जनरल में भी अप्लाई कर सकते हो। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने कभी गार्डन में काम किया है तो अगर आपके पास हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, अदरवाइज नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर टू, आधार कार्ड आपने डाल ही दिया, निवास प्रमाण पत्र जहाँ पे आप निवास रह रहे हो, और चरित्र प्रमाण पत्र अगर वैसे आपकी कोई आपराधिक स्थिति में आपने कभी कुछ किया नहीं है उसके लिए, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो वो लगा देना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। इन सबको लगाने के बाद आपको बड़े वाले लिफाफे पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो वो लिख देना है, और कैटेगरी जैसे आप OBC की, जनरल है, SC ST है, वो लिख देना है। इन सबको लिखने के बाद आपको नंबर पोस्ट लिखने के बाद 2 लगा के इस एड्रेस लिख देना है, द प्रेजिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, इसको बोर्ड हेडक्वार्टर रिकॉर्डिंग जोन MP जबलपुर, और आगे लिख देना पिन कोड। नीचे आपको फॉर्म लगा के अपना एड्रेस भी डालना है, और छोटे वाले लिफाफे भी 2 लगा के अपना एड्रेस डालना है, जिसे कॉल लेटर आपके पास आ जाए। दोस्तों ये सभी फ्लिप करके आपको इस एड्रेस पर 18 अगस्त से पहले भेजना है, और सबसे ज़रूरी बात, ये सभी आपको नॉर्मल पोस्ट के द्वारा भेजना है। थैंक यू दोस्तों, और कुछ